और इस वक्त संयुक्त स्वास्थ्य की पीसी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लव अग्रवाल की, सीधे रुक कर लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से दी जा रही है। और एसेंशियल आइटम्स अवेलेबल रहें, हम ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि लॉकडाउन में पेशेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके तहत ही आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया है कि CGHS में जो हमारे क्रोनिक पेशेंट्स हैं उनको 3 महीने की दवा एक साथ इशू की जाए और पेशेंट को खुद ना जाना पड़े, खासकर वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इस टाइप की जो बीमारियां हैं, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर भी दवाइयां ले सकते हैं। सभी राज्यों में जो नोडल अधिकारी हमने लगाए हैं इससे पहले, उन सब से भी आज सेक्रेटरी हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिटेल्ड लॉकडाउन और हेल्थ प्रिपेयरनेस के ऊपर एक चर्चा करेंगे। हमने इसके साथ ही, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, कि एम्स दिल्ली के साथ मिलकर हम नेशन वाइड ऑनलाइन पद्धति को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके तहत ही डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग भी अगले 5-7 दिनों में एम्स द्वारा पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स के बारे में उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। इसी के तहत आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एम्स दिल्ली में एक COVID-19 से रिलेटेड 24/7 राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र, उसका उद्घाटन किया है। इस केंद्र के द्वारा हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं उनको एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, स्काइप और व्हाट्सएप, अन्य डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं, इनके थ्रू वो क्लिनिकल गाइडेंस इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही आज COVID-19 के संबंधित जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, ताकि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसमें भी एक स्पेसिफिक पेज अलॉट किया गया है, स्पेसिफिक एरिया अलॉट किया गया है, जिसमें कोविड से संबंधित सभी जितने भी आइटम्स हैं उनको मेंशन किया गया है, ताकि स्टेट्स उसको उन डिफाइंड रेट्स पर उन वेंडर्स से फैसिलिटेट करते उनको खरीद सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा मुख्य फोकस इस समय कोविड को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयरनेस और साथ में लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने में है। मैं फिर आपके थ्रू कम्युनिटी में सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये हम सब की मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें आप हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं गृह मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करूँ, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इधर यू स्विच इट ऑफ इफ यू आर अनएबल टू, अदरवाइज प्लीज कीप इट ऑन द साइलेंट मोड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर एसेंशियल गुड्स का मूवमेंट और लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रही है। जैसा आप सबको पता है, माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या पर स्टेट्स और यूटीज के साथ कंटिन्यूसली चर्चा हो रही है। कल जैसे मैंने बताया था, होम सेक्रेटरी ने स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज को फिर से पत्र द्वारा कहा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान दें। DGPs के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही कहा था। स्टेट्स और यूटीज इस कार्य को करने में जुटी हुई हैं। आज होम सेक्रेटरी ने फिर से स्टेट्स और यूटीज को इस समस्या के बारे में लिखते हुए एम्फसाइज किया है कि वे रिलीफ कैंप्स सेटअप करें तथा इन रिलीफ कैंप्स और जो फूड और शेल्टर की सुविधाएं वो कर रहे हैं उसके बारे में प्रिसाइज जानकारी माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचे। अवेयरनेस जनरेशन के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, वॉलंटियर्स और NGO नेटवर्क्स की सहायता लें। केंद्रीय और राज्य सरकार जो रिलीफ के लिए उनके लिए बाकी कदम उठा रही है उसके बारे में भी उन तक जानकारी पहुंचाएं। गृह मंत्रालय ने आज स्टेट्स और यूटीज को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड को भी रिलीफ मेजर्स के लिए उपयोग करने का आग्रह किया है। जो भी एलोकेशन इस वर्ष में है, इसके अलावा आगामी वर्ष में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड का एलोकेशन लगभग 29,000 करोड़ है, इसलिए स्टेट्स के पास रिलीफ मेजर्स के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। इन सब मेजर्स के साथ हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज को माइग्रेंट वर्कर्स और होमलेस के लिए सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहले हम ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं लॉकडाउन के बारे में। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द लॉकडाउन मेजर्स
helped in arresting the transmission of virus till now? See, whatever measures we have initiated, obviously from moment one or day one, you cannot expect all the results to come. It will be a process. We are aware that once we ensure 100% implementation of lockdown, in next few days we'll see the results of this coming. And social distancing measures, respiratory hygiene, environmental hygiene, as well as hand hygiene, these are very important components in terms of managing any infectious disease. Lockdown is an approach towards ensuring that these measures get implemented properly. We interact with community in a manner that we can break the chain of transmission. Friends, now we can take some questions here. Number 19. सर देखने में आया कि कई राज्यों से अलग अलग जगहों से जरूरी खान पान की जो चीज है वो महंगी हो गई है, इस तरह की शिकायत आ रही है, उसको लेकर क्या करें? स्टेट्स और यूटीज इस स्थिति को मॉनिटर कर रही हैं. हम लोग भी इस स्थिति को मॉनिटर करते हुए जहां जहां हमें समस्या के बारे में पता चल रहा है हम टेकअप कर रहे हैं जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ. आई थिंक एवरी वन इज अवेयर अबाउट द चैलेंजेस एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू कंटेन इट. और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने कार्गो मूवमेंट, इंटर स्टेट कार्गो मूवमेंट को पूरी तरह से अलाउ कर दिया है जिससे कि कार्गो मूवमेंट की वजह से कोई भी समस्या ना आए. 44. पहला सवाल मेरा ये है कि COVID-19 के लिए जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाए जाने थे स्टेट्स में, अभी तक कितनों ने कहा है कि हम बना रहे हैं? और सर दूसरा सवाल ये है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो इशू है उसमें कोई नई बात सामने आई है या क्या अभी तक स्थिति है? देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा एक मेजर फोकस है कि हम स्टेट से रिक्वेस्ट करें कि COVID-19 से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या डेडिकेटेड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएं और उसके तहत हम कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में स्टेट्स के साथ एंगेज्ड हैं. काफ़ी स्टेट्स इसके बारे में रिक्वायर्ड एक्शन शुरू कर चुकी हैं. दो दिन पहले मैंने आपको बताया था 17 स्टेट्स हैं. अब आपको ये कहना चाहूँगा कि हम प्रोग्रेसिवली स्टेट से बात कर रहे हैं और स्टेट्स इसके हिसाब से अपनी जो अवेयरनेस, जो प्रिपेयरनेस है उसको बढ़ाती जा रही है. और इसके साथ ही जो ये डेडिकेटेड ब्लॉक्स के साथ ही स्टेट्स ने जो उनके और आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी आइसोलेशन ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. हमारा पूरा जो एफर्ट है वो एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि जैसे जैसे सिचुएशन देश के सामने इवॉल्व होती है हम उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से तैयार रहें. एंड टू दैट एक्सटेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट हमें लगती है कि हमारी होनी चाहिए उसके लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं. आई थिंक कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में और भी क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं पहले. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ सर्विलांस दैट ICMR स्टार्टेड फॉर फाइंडिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन? व्हाट आर द लेटेस्ट फिगर्स? हाउ मेनी रैंडम सैंपल्स हैव बीन टेस्टेड सो फार अलॉन्ग विद देयर रिजल्ट्स? आई थिंक दे कंप्लीट इन एवरीथिंग. डॉक्टर, नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, पहले दिन हमने वो जिसको आप रैंडम सैंपल बोल रहे हैं सारी पेशेंट्स के सैंपल्स लेके देखने की शुरुआत की थी. उस वक्त कोई भी पेशेंट उसको COVID-19 हुआ ऐसे हमको तकरीबन 824 या ऐसे कुछ फिगर थी उसमें नहीं दिखा था. लेकिन नेक्स्ट डे से हमने टेस्टिंग गाइडलाइन ये एज अ प्रिकॉशन बदल डाली. जो भी सारी के पेशेंट्स हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, जो कोई भी दवाखाने में भर्ती होते हैं उनकी जांच करने के लिए हमने ये टेस्ट देने के लिए करके अप्रूवल दिया था. वो टेस्टिंग अभी रेगुलरली हो रहा है तो अभी सर्वेलेंस वगैरह करने की कोई ज़रूरी नहीं है. 36. सर, अभी तक जो 19 डेथ हुई हैं उसमें अंडरलाइंग कोमोबिडिटी कंडीशंस क्या हैं और क्या डायबिटीज एक अंडरलाइंग फैक्टर है जो 19 डेथ रिपोर्ट हुई है उसमें? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो कोमोर्बिड कंडीशंस एक मेजर फैक्टर है, पर्टिकुलरली जितने भी हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें इससे पहले भी बताया जा चुका है कार्डियक कंडीशन, हाइपरटेंशन, अस्थमा और डायबिटीज, ये उन को केसेस में जिसमें इवन किडनी से रिलेटेड इश्यूज भी कई केसेस में पाए गए हैं जिसमें हमें डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं. देखिए, एज प्रोफाइल ये आप किसी भी इस्टेब्लिश्ड, इवन जो हमारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर भी आ रही हैं, एल्डरली पीपल आर एट ए हायर रिस्क. दिस इज व्हाट हैज बीन फाउंड. 82.
सर टू मिस्टर गंगाखेड़कर, जो रैंडम सैंपलिंग की बात करी सर आपने, 14th को आपने बताया था, उसके बाद 16th को 826 का फिगर लेकर आए थे, अभी तक कितनी रैंडम सैंपलिंग की गई है और उस टेस्ट का क्या परिणाम सामने आया है? मोर ओवर सर एक और चीज़, 118 लैब्स अब आप बता रहे हैं ICMR कर रही है और प्लस 16,000 का चेन भी हमारे पास, वाई दी नंबर ऑफ टेस्टिंग जो ICMR पे आ रहा है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें नहीं दिखता है? पहली बात तो पहला जो सवाल है शायद मैंने पहले ही जवाब दे दिया, रैंडम सैंपलिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर सारी की सिंड्रोम की जो केस भर्ती होती है दवाखाने में उसकी टेस्ट करने का इंडिकेशन हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो उसको अलग से सर्वेलेंस करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा आपने कहा कि हमने अभी 111 हमारे सरकारी जो टेस्टिंग साइट्स हैं वो वहाँ टेस्टिंग चालू है, फिर भी आपका नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है? नंबर तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो कैपेसिटी है, जो 12,000 हम बार बार बोल रहे हैं, ये 12,000 की कैपेसिटी में 30% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है, अभी भी 70% जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी इनिशिएट किया है, उसमें कल तकरीबन 400 लोगों की जांच हो चुकी है और आज के तौर पे हमने 44 जो लेबोरेटरीज हैं प्राइवेट लेबोरेटरीज उसको भी अप्रूवल दिया है। अब रही बात, बहुत सारे लोगों के मन में आता है क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, आज के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ 5 लाख से ज़्यादा प्रोब्स जो हमने अमेरिका से मंगाए थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका मायना हम 5 लाख लोगों की एडिशनल जो 5 लाख लोग रहेंगे उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भी जो लैब्स में कैपेसिटी है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की टेस्ट करने के रिएजेंट्स अभी भी पड़े हैं, तो इसका मायना हमको टेस्टिंग के बारे में डरना ये ज़रूरी नहीं है। जिस किसी को ज़रूरी पड़ रही है टेस्ट करने की वो कहीं भी आए, सरकारी इसमें अगर उसका सैंपल आया ICMR के नेटवर्क जो लैब का है उसमें तो भी वो टेस्ट होगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में गया उसके इंडिकेशन सेम रहेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने स्वैब की जांच करवा ले सकते हैं। 31 Namita from the week. Dr. Gangakhedkar, could you clarify if the demand for serological testing kits, have you revised it from 10 lakh to 5 lakh because there were two notifications? And second, how far are we from the point of care kits? Today Abbott has launched its super fast kit. So what is the status in India? Ab ye 10 lakh ka 5 lakh kyun hua? ये इसलिए हुआ कि जो अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से वो ऑर्डर देना है, अगर हमने ज़्यादा की ऑर्डर दी और उसके पास नहीं माल रहा तो वो हमको क्या देगा, ये सोच के वो ऑर्डर 10 लाख की 5 लाख हुई। ये मत समझना कि 10 का 5 हुआ है यानी कुछ सोच समझ के कुछ किया है, ऐसे हिसाब कोई नहीं है, क्योंकि टेस्ट किट्स की सफिशेंसी रहना ये हमारे लिए अहम है, किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने वो टेस्ट करना चाहिए। रहा सवाल पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का, अलग अलग किस्म के पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट अभी दो तो कम से कम किट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट उसकी वैलिडेशन चालू है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने बोला कि आपके जो किट है वो भी उन्होंने पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट करके दी है, लेकिन एक चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का जितना एडवांटेज होता है, कोई भी टेस्ट करना है तो सिंपल रहना है, कहीं भी कर सकना है, कोई भी कर सके, इस किस्म का एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन बहुत आसानी अगर हो गई, लोग खुद का खुद अगर टेस्ट कर लें तो उनको सलाह देने के लिए हमको टाइम मिलता नहीं है, फिर वो आदमी किस ढंग से बर्ताव करेगा ये समझ नहीं सकते हैं, कोई घर में ही बैठेगा या किसी को बोलेगा ही नहीं और वैसे ही काम करते चले जाएगा। इन हर चीज़ों को देखते हुए जो आज हमारा चल रहा है वो ठीक ढंग से चल रहा है ऐसे समझना अच्छा रहेगा, जब जैसे टाइम आएगा वैसे ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट की तरफ देखा जाएगा। 63
मेरा सवाल पुण्या मैम से है। मैम ये जो वर्कर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स, इनका एक मेन थ्रस्ट एरिया ये है कि इनके मकान मालिक इनको किराया नहीं देने के कारण फोर्स कर रहे हैं कि वो घर छोड़ें। गौतम बुद्ध नगर में हमने देखा कि इस तरह के दिशा निर्देश पास हुए हैं कि मकान मालिक फोर्स नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इसी तरह के नियमों की ज़रूरत दिल्ली में भी है? चूँकि लार्ज वर्क, किसी भी सड़क पर आप चले जाएँ आपको दिख जाएंगे लोग जो जा रहे हैं पैदल। इनफैक्ट जो आपने कहा है वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इसको हमने रिएट्रेट किया है अपने एडवाइजरीज में कि हम इंश्योर करें कि जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी पुअर सेक्शन है वो वहीं पे रहे, और उसके लिए चाहे उनके एम्प्लॉयर्स को इंस्ट्रक्शंस देना पड़े या कुछ और भी मेजर्स उठाने पड़े तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स उठाएं। एंड मेरा अनुमान है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की इसके बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ गई है और वो कोशिश कर रही हैं कि ऐसी समस्याओं का निदान हो। नंबर 10। सर, आपने जैसे कहा कि अब सारी केसेस की टेस्टिंग हो रही है, सो वेदर वी हैव फाउंड एनी पॉजिटिव केसेस अमंग दोज सैंपल्स एंड टू सजेस्ट कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड आई हैव अ सेकेंड क्वेश्चन फॉर मैम। जैसा अभी आपने कहा कि रेंट देने के लिए फोर्स नहीं किया जाए, माइग्रेंट्स को वहीं पे रखा जाए, देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन कि माइग्रेंट वर्कर्स अगर ट्रैवल करते हैं तो इफ दे आर इन्फेक्टेड दे विल टेक द वायरस अलॉन्ग विद देम, तो इसका क्या हम क्या कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अभी भी जा रहे हैं। इनफैक्ट जो आज हमारा पहले भी हमने ऐसा कहा है और जो आज होम सेक्रेटरी ने लेटर लिखी है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इस मुद्दे को भी उठाया है कि जो एक तो ये कहा है कि अगर हाईवे के अलोंग स्टेट्स कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ सेटिंग अप टेंटेड अकोमोडेशन फॉर दोज हुआ ऑन द रोड, और जिनको अभी वापस लाने में समय लगेगा। दूसरा, जहाँ भी रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे मेडिकल चेकअप ड्राइव्स करवाएं जिससे कि हमें पता चल सके कि हाउ इज द हेल्थ स्टेटस, और उस पर फिर अकॉर्डिंगली स्टेट्स और यूटीज एक्शन ले सकती हैं। 56। वो जो सारी केसेस का आपने बोला है, सारी केसेस को टेस्ट करना अभी अभी शुरू हुआ है। उसमें कुछ लोग ऐसे स्पोरेडिक इंस्टेंसेस हैं कि जिनमें लोग कहीं एक्सपोजर की हिस्ट्री दे नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतने भी सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं हैं कि हम ऐसे समझें कि ये चारों तरफ फैल रहा है करके। क्योंकि लोगों ने बोलना, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि लोगों की जैसे याददाश्त होगी या उसको छुपाना है या बताना है उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो सारी चीज़ें बोल रहा है क्या नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप जो इवन जो बड़े बड़े मीडिया में जो केसेस उछाले गए, कुछ लोगों ने मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया ये भी बताया नहीं, कुछ लोगों ने मैं बाहर गया था ये भी छुपाने की कोशिश की। तो जब तक ये इतना सिग्निफिकेंटली न दिखे कि ये हमको एक्सप्लेन करने के बराबर रहे तब तक हम उसको ओवर इंटरप्रेट करना नहीं है। सर, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू कम अप विद वैक्सीन फॉर कोरोना एंड हैज द गवर्नमेंट गिवन परमिशन फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन इन इंडिया? Please, can you repeat this and throw a little loudly? Use the mic also. Sir, what is the government doing to come up with the vaccine for corona? And has the government given permission for human trials of vaccine in India? And if yes, which are the pharma companies working on it and at what stage they are on? Dr. Main thoda aur add kar deta hu isme. Can the ICMR specify the names or author which scientific papers they relied on to advise the use of HCQ? HCQ, दो चीज़ें बोलूँगा। ये जो वैक्सीन वाला हिसाब है पहले वो देख लें। वैक्सीन अभी भी कोई भी दुनिया में इस लेवल तक आई नहीं है कि जिसकी ह्यूमन ट्रायल कर पाए। जो सबसे आगे बढ़ी है वो सारी वैक्सीन्स में से कुछ वैक्सीन्स एनिमल ट्रायल्स के स्टेज में आ चुकी हैं।
जब भी कभी कोई वैक्सीन उस स्टेज तक जाके पहुंचे जहां वो इंसान में ट्रायल करने के लायक रहे, तो उसको ICMR डेफिनेटली उसको कंसिडर करेगा। उसका डेटा एक तो पहले देखना पड़ता है कि कितनी सेफ है ये, इंसानों में चलेगी क्या। अब रहा सवाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए एक बात हमको समझ के चलना है कि ये दवा से इतना ही पता चला है, उसमें कोई ट्रायल्स का डेटा भी पब्लिश हुआ है जिसमें ये पता चलता है कि जो पेशेंट को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई और उसकी वो यानी एडमिट था ये COVID-19 से, उसका वायरल लोड जल्दी नीचे आ जाता है। उसको देखते हुए ये ऐसे समझा गया कि हमको अगर पूरा असर ट्रीटमेंट के लिए उससे होता नहीं तो कम से कम ये प्रिवेंशन के लिए होगा क्या, प्रोफिलैक्सिस करके दे सकेंगे क्या, और वो हेल्थ केयर वर्कर्स में दिया या जो कॉन्टैक्ट्स है इंडेक्स केस के, तो हमको हमने वो टेस्ट करना चाहिए। ये जो स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल हो रही है इसमें पहले जो पेशेंट्स एनरोल होंगे उनका डेटा लेके वो डेटा एनालाइज होगा, उसके बाद में ही इसका जनरल रिकमेंडेशन आएगा। ये रिकमेंडेशन सबके लिए लागू नहीं होता, लोगों ने उसका इस्तेमाल अपने ही मन से अपने को बीमारी न लगे इसके लिए करना नहीं है, क्योंकि उसके शास्त्रीय आधार मिलाने के लिए हम लोग उसको पहले एनालाइज करेंगे। 14 लव जी से मेरा सवाल है कि सर को सरकार जो है आप लोगों की तरफ से लगातार एडवाइजरी आ रही है, कई सारे नियम दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं, सघन सर्वेलेंस की बात आप लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन बिहार से इतनी ज्यादा शिकायत आ रही है कि जो 104 नंबर वहाँ हेल्पलाइन बनाया गया है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, CMO तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कई पंचायत से लगातार ऐसी बात आ रही है कि उन लोगों को शिकायत कर रहे हैं कि प्रवासी लोग पहुंचे हैं, संदिग्ध लोग हैं और उनके तक कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अगर आप कोई मुझे जैसे इंडिविजुअल स्पेसिफिक केस बता पाएंगे तो मैं डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इसको सॉर्ट आउट कराऊंगा। साथ ही मैं आपकी नॉलेज में ये भी लाना चाहूंगा कि जिस टाइप का हम ट्रैफिक आइदर ऑन आर हेल्पलाइन या ऑन आर वेबसाइट हम पा रहे हैं, तो कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है कि लोगों ने फेस भी की है, जिसको हम मतलब पूरी कोशिश करके उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया तो जो हमारी वेबसाइट है एक बार उस पर 222 मिलियन हिट हुए, 22 करोड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।